नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर हाजिर हूँ और ये रिक्रूटमेंट होने वाली है एक मेडिकल कंपनी में, जी हाँ, जिसका नाम है तिरुपति ग्रुप फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर बी फार्मा, ITI और डिप्लोमा, इन सभी को लेकर अलग अलग रिक्रूटमेंट निकली है, अलग अलग डिपार्टमेंट निकली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ओनली ITI और डिप्लोमा के बारे में बताने वाला हूँ। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की जो हमारे ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो आसानी से जॉब पा सकें। एक ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि मोस्टली हम लोग जो ITI डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो मैकेनिकल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी या इलेक्ट्रिकल कंपनी में जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल कंपनीज होती हैं वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटी और अच्छी सैलरी मिलती है, उसके साथ ही आपको अच्छा फ्यूचर भी मिलता है। तो यहाँ पर भी आप ट्राई किया करिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर इस कंपनी के रिक्रूटमेंट को लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर BSc और बी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। अगर वो जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो ये कंपनी उनके लिए बेस्ट है। यहाँ पर फ्रेंड प्रोडक्शन पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो अगर आपने अपना डी फार्मा कर रखा है और यहाँ पर BSc कर रखी है और आपके पास या तो आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, इन दोनों कंडीशन में आपके लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए रिक्रूटमेंट। दूसरी जो रिक्रूटमेंट है फ्रेंड वो यहाँ पर इस कंपनी में ITI के लिए है। तो यहाँ पर जो ITI के लिए रिक्रूटमेंट है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। तो अगर आप ITI हैं और फ्रेशर हैं तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा चांस है। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई इशू रूल नहीं है, ना ही इशू है कि आपने किस स्टेट से ITI की है। आपने अगर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, लगभग काफ़ी ट्रेड कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिटर और टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इन सब ट्रेड से अगर आपने अपनी ITI कर रखी तो बेस्ट है, आपके ज़्यादा चांस बनेंगे। बट सब यहाँ पर अदर ट्रेड से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड ITI के लिए एक और रिक्रूटमेंट है इसी डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर उनके पास एक्सपीरियंस है 1 से 2 साल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यहाँ पर उनके पास एक्सपीरियंस अगर है, वो एक्सपीरियंस अगर है फिलिंग एंड सीलिंग मशीन ऑपरेटर और लेबलिंग मशीन ऑपरेटर, अगर इस मशीन का इनके पास एक्सपीरियंस है तो उनके पास एक अच्छा चांस है यहाँ पर इस कंपनी में पार्टिसिपेट करने कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इस कंपनी में पार्टिसिपेट करना है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप ईमेल ID पर अपना रिज्यूम सेंड कर देंगे, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आप ITI हैं, BSc हैं, बी फार्मा हैं, आप सेंड कर देंगे और ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर है इस पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड जो कंपनी है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर वैसे तो ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, बट अभी बहुत से इशू चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर लोकल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर रिक्रूटमेंट काफी रहेगी। तो आप अदर स्टेट के हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर इन कंपनी में अच्छा चांस रहता है ITI डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो भी ITI जो जिस भी कंपनी में मशीन होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा या जो भी प्रोडक्शन होगा वो मशीन के द्वारा ही होगा, तो वहाँ पर ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे ही होंगे। तो इसलिए आप ट्राई करिएगा, अच्छी सैलरी रहती है, अच्छा फ्यूचर रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।